हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A17 फ़ोन है, तो ओप्पो A17 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं ओप्पो A17 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं ओप्पो A17 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है। पर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आया, तो आपको सबसे पहले तो टाइमिंग ऑप्शन सर्च करना है। टाइम तो टाइमिंग ऑप्शन से आपके फ़ोन में आ जाएगा, जिस पे जाकर आप डायरेक्टली होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को इस ऑप्शन के जरिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो भी टाइमिंग अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। बस आपको कोई भी टाइमिंग सेलेक्ट कर लेना, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेकेंड्स भी आप सेट कर सकते हैं और ओके कर दे, टाइमिंग सेट हो जाएगा। एंड यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ से टाइप करके भी इस तरीके से कोई भी टाइमिंग आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ओके करते ही सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। एंड देख सकते हैं कि टाइमिंग को ऑटोमेटिकली सेट करना चाहें तो इसको ऑन करना होगा आपको, और ऑन करते ही आप इसके ज़रिए होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। और ऑफ़ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। एंड डेट वगैरह भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो इस तरीके से होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं ओप्पो A17 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो